नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जहां एक ओर विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई, जिस तरह से पेपर लीक मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब ये डर सता रहा है कि कहीं सत्ता तो हाथ से नहीं चली जाएगी, क्योंकि 30 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने का दावा कर रही कांग्रेस अब मुश्किलों का सामना कर रही है। जहां नामांकन भरते ही सचिन पायलट विवादों में घिरते हुए नजर आए अपनी तलाकशुदा होने की खबरों को लेकर, तो वहीं अब गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ईडी की दिल्ली और जयपुर की संयुक्त टीमों ने यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की, कहा जा रहा है कि ईडी की छानबीन अभी भी जारी है। ईडी दावा कर रही है कि पेपर लीक मामले में गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ उनका परिवार भी शामिल है। छानबीन यहां पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। बीते 26 अक्टूबर को देखा गया कि अचानक ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पहुंच जाती है। इस दौरान परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जाती है और अब यहां पर जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा की पत्नी सुनीता सिंह डोटासरा पर भी ईडी का शिकंजा अब कसने वाला है। दरअसल आपको बता दें, पेपर लीक से जुड़ा ये वो मामला है जिसमें अभी कुछ समय पहले ही राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया था। साफ तौर पर वो इस मामले में जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में जांच शुरू हुई है, इसका नुकसान सचिन पायलट को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर देखने के लिए मिल रही है, विधानसभा चुनाव में ये ईडी का एक्शन पूरा खेल पलट भी सकता है। बात अगर गोविंद सिंह डोटासरा की पत्नी की जाए, तो भले ही वो पेशे से एक अध्यापिका है, एक शिक्षिका है, लेकिन आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा की करोड़ों की संपत्ति में वो भी बराबर की मालकिन है, और ऐसे में अब उनकी संपत्ति की भी जांच हो सकती है, ये भी यहां पर दावा किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि 2018 में दिए गए हलफनामे में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी दी है, उसमें उनकी पत्नी भी भागीदार बताई जा रही हैं, और अगर पेपर लीक से जुड़े इस स्कैम में गोविंद सिंह डोटासरा दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जब गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की छापेमारी हुई, उनकी गिरफ्तारी की खबरें आने लगी, तो कहा जाने लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी उनकी पत्नी को आगे कर सकती है, लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है, तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आखिरकार कांग्रेस पार्टी किससे आगे करती हुई नजर आएगी? क्या एक बार फिर से सचिन पायलट का नाम आगे आ सकता है? क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष पद खाली था, तब भी यहां पर देखा गया कि सचिन पायलट का नाम बार बार सामने आ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पायलट संग चल रहे गहलोत के विवाद को देखते हुए ये पद गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपने का फैसला लिया। लेकिन अब जिस तरह से पेपर लीक मामले में उन पर भी ईडी की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, तो अब ये पद आखिरकार किसे सौंपा जाएगा? साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, आखिरकार अब उससे चुनावी मैदान में किसे उतारा जाएगा अगर गोविंद सिंह डोटासरा की गिरफ्तारी या फिर उन्हें हिरासत में ईडी लेती हुई नजर आती है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।